हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी क्यूरियोसिटी थी। आज एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर था, पहला पेपर था डे फर्स्ट, तो सबकी निगाहें थी, पूरे देश की, बच्चों की भी और टीचर्स की भी, कि इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पहला पेपर, ये जानने की जिज्ञासा थी कि कैसा होगा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। पैटर्न का तो पता था, तो जो जनरल लोगों से, स्टूडेंट से जो फीडबैक मिल रहा है, उससे एक जनरल ये फीलिंग उभर के आ रही है कि जो फर्स्ट पेपर था मैथ्स और रीजनिंग का, मैथ्स एंड रीजनिंग का जो पेपर था, उसमें जनरल फीलिंग ये आ रही है कि इजी था। मैथ्स और रीजनिंग का जो पेपर था वो इजी पेपर, जो सीजीएल का जो पेपर पिछले दिनों आते रहे हैं मैथ्स में, तो मैथ्स इजी थी। कुछ लोग तो बहुत इजी कह रहे हैं, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर भी नहीं हूं, लेकिन जो जनरल फीडबैक आ रहा है कि इजी का फीडबैक आ रहा है। रीजनिंग में कुछ एक क्वेश्चन कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन बाकी जो रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन थे वो भी ईजी थे। और जो इंग्लिश का जहाँ तक सवाल है, इंग्लिश का पेपर जैसा मैं कह रहा था कि पैसेज क्लोजेस पैरा जम्बल, ये मिला के लगभग 25 क्वेश्चंस के आसपास थे आउट ऑफ 45, और पेपर का जो कॉम्प्रेंशन लेवल था वो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, ऐसा नहीं था कि ऊपर से जा रहा था, लेकिन अच्छा लेवल था और थोड़ा पेपर लेंथी था, टाइम लग रहा था कॉम्प्रेंड करके आंसर करने में। खास तौर से पैराजम्बल 5 और 6 क्वेश्चन आए थे, पैराजम्बल पे काफी फोकस किया। उसमें से एक जो पैराजम्बल का क्वेश्चन था, एक ही सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया था, यानी वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस था, और उसमें ये पता करना था कि उसमें S1 और S4 यानी फर्स्ट और लास्ट पार्ट दिया था, और बीच के पार्ट मिसिंग था, वो ऑप्शन में से उसको करना था। बाकी जो पैराजम्बल क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे, वो जो है स्टूडेंट्स ये बता रहे थे कि उनको समझना, रीअरेंज करना मुश्किल हो रहा था। पैसेज जो थे, पैसेज में 4 या 5, कुछ पैसेज में 4 क्वेश्चन थे, कुछ पैसेज में 5 क्वेश्चन थे, और एक कोई ट्रैवलिंग कोई स्टोरी बेस्ड था, दूसरा जो करंट अफेयर चाइना का जो बलून जिसको शूट डाउन किया था यूएस ने, वो एक न्यूज़पेपर की स्टोरी आ गई थी फ्रेंड्स, और दूसरा तीसरा जो था वो कोई एब्स्ट्रैक्ट टाइप पैसेज था, उसमें उसका थीम वगैरह पूछ रहा था। तो इस तरह से तीनों पैसेज की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग थी। न्यूज़पेपर से बेशक जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उनकी स्पीड बढ़ी थी, उनका स्पीड बढ़ने से कॉम्प्रेंशन की एबिलिटी भी बढ़ी, स्पीड भी बढ़ी। तो इंग्लिश के पेपर में स्पीड मैटर करी, तेजी से उसको रीड करके और उसमें से आंसर निकालना। जो कॉमन एरर था वो सिंपल थी, और शायद 3-3 जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन और एक्टिव पैसिव वॉइस के थे क्वेश्चन, वो भी मैनेजेबल थे। तो जनरल व्यू ये है कि जो इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं थी, लेकिन आसान भी नहीं थी, अच्छा खासा पेपर के अंदर जो है कशिश थी, कसावट थी, जोर लग रहा था। जीएस भी ठीक ठाक आया था, लेकिन जो पेपर वन था मैथ्स और रीजनिंग वो इजी था भाई। कुल मिला के जो इतने 6 महीने से मैं न्यूज़पेपर पे फोकस करवा रहा था, न्यूज़पेपर फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बच्चों को, और न्यूज़पेपर इतने दिन से रीडिंग करवा रहे थे, कि ज़्यादा जो है रूल रटने से अच्छा है कि न्यूज़पेपर पे फोकस करो, स्पीड बढ़ाओ, कॉम्प्रेंशन बढ़ाओ, तो वो चीज़ आज वही सामने आई है। तो मेरे सभी एस्पिरेंट्स जिन्होंने पेपर दे दिया है उनको मेरे तरफ से बेस्ट विशेस, और अभी जो और लोग जो पेपर देंगे उनके लिए भी बेस्ट विशेस इन एडवांस कि आप अच्छा करें। लेकिन मेरा फोकस एक बार फिर से वही है कि आप जितना ज़्यादा अपनी रीडिंग कॉम्प्रेंशन एबिलिटी स्पीड बढ़ाएंगे, उसी से आपका इंग्लिश में जो है अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी और भी फीडबैक और भी स्टूडेंट से मैं बात करूंगा, उनसे भी फीडबैक लूंगा, कल के पेपर के बाद फिर जो है एक बार फिर से आऊंगा लाइव। थैंक यू वेरी मच।